हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज अपन बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जिसमें अच्छा खासा गिरावट पिछले कुछ दिनों में हमें देखने को मिल रहा है। तो इसकी एक न्यूज़ आई है दोस्तों कि इसका जो नेट रिपोर्ट प्रॉफिट है वो फॉल हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस में 61% की रेट से, ठीक है, और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आ गया 81 करोड़ में। अब इसका कारण है कि वीकर डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम चाइना। तो चाइना से कंपटीशन के कारण हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन कम हुआ है, मतलब सेल की बिक्री कम हुई है। इसका कारण है दोस्तों चाइना की स्टील मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि चाइना की जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है, जो स्पीड है, जो एक सेटअप है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, वो कहीं ना कहीं इंडिया के स्टील प्लांट से डेफिनेटली बहुत आगे है, और इस कारण से उनकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो कम आती है कंपेरेटिवली टू इंडिया के। अब इससे होता क्या है कि मान लीजिए हम कोई चीज़ सस्ते में बना रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसको सस्ते में ही मार्केट में कस्टमर को सेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इट से अभी आप देख रहे हो कि स्मार्ट पैनल हमें चाइना के 80,000 में मिल जाते हैं, बट वहीं अगर हम सैमसंग का जाते हैं तो 1,10,000 तक मिलता है 75 इंचेस का। तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है कंज्यूमर के माइंड पे। कंज्यूमर पैसा बचाता है, पैसे बचाने के चक्कर में सस्ता चीज खरीदता है, तो वही इम्पैक्ट कहीं ना कहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में देखने को मिल रहा है। और इसी कारण आप देख सकते हो कि बोकारो स्टील प्लांट का जो रेवेन्यू 22.4% डिक्रीज हुआ है, बट रोरकेला का प्लांट थोड़ा सा हमें रेवेन्यू इंक्रीज बढ़ा है, ठीक है। तो ये एक न्यूज आई है। अब इसका हम कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स पे भी एक बार नजर फेर लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर आप बात करें तो आप देख सकते हो कि ये 3483 से 220 हो गया, दैट मीन्स डिक्रीज हुआ है, जो भी हमने न्यूज पढ़ी उसी का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितनी बड़ी गिरावट आई है दोस्तों कि आप देख सकते हो 1441 था, अभी मात्र 98, मतलब ये क्या ही मजाक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर मार्च 2024 में 1126 करोड़ था, अभी 82 करोड़ आ गया। अब सोचिए अगर ऐसी स्थिति में शेयर नहीं गिरेगा तो क्या करेगा। मार्केट किसी भी शेयर को उतना ही भाव देता है जितना वो डिजर्व करता है। वो बात अलग है, छोटी मोटी स्पाइक आजकल करवाई जा रही है निफ्टी पीएसयूज में या मिड कैप में, ताकि हमारे जैसे भाई बंधु रिटेलर यहाँ पर ट्रिप हो। तो ये तो रही इस सेल की बात, इसके क्वार्टर रिजल्ट्स की बात। अगर अब हम बात करते हैं इसके ओवरऑल चार्ट एनालिसिस, मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन हुआ था 29 जुलाई 24 को, आप देख रहे हो इस कंसोलिडेशन के बाद क्या हुआ था। बहुत सारे लोग निकल गए होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि यार अब तो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है, हो सकता है ईएमए के नीचे आके डाउन साइड जाए, बट हुआ क्या उसका उल्टा, 147 से वापस 155 गया। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, वो इसलिए बताया दोस्तों, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हो रहा है दोस्तों, तो नो डाउट इसके प्रॉफिट में कमी आई है, रेवेन्यू में कमी आई है, बट ध्यान रखना जो चीज़ें सस्ती मिलती है ना उनको हमें बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं कभी कभी रिबाउंड होगी कंपनी, वापस इसका कंजप्शन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा तो इसके शेयर्स में वापस अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे बायर जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि अगर आप अगर आप यहां पर देखोगे तो वैसे भी 126 का इसने एक ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, 129 रुपए का सपोर्ट लिया है। अगर यहां से सपोर्ट लेता है दोस्तों और 133 रुपीज सस्टेन कर जाता है तो डेफिनेटली 140 रुपए का टारगेट हमें देखने को मिलेगा और 140 से वापस हमारी रफ्तार 147 को देखने को मिलेगी। बट अगर अभी आप सोचोगे कि एकदम से 170 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है दोस्तों, बट हाँ शॉर्ट कवरिंग देखने को जरूर मिल सकती है 140 रुपए और 150 रुपए के आसपास। बट अगर यहाँ पर मार्केट में अगर रिबाउंस नहीं आया, आप देख रहे हो पिछले 15 दिनों से मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज है, तो अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी दोस्तों। प्रॉब्लम ये रहेगी फिर हमारा जो शेयर है 126 रुपये टच करेगा और 126 के बाद में ये जो सपोर्ट एरिया आप देख रहे हो 116 रुपये यहाँ पर टच करता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो सेल के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाना, और अगर आपकी कुछ क्वारीज है, बाई सेल पोजिशन है सेल्स में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं जरूर हेल्प करूँगा। इसके साथ अपन वीडियो क्लोज करेंगे। थैंक यू।